कानपुर के गांव नाजी तक में माहौल उस समय तनावपूर्ण हो गया जिस समय गांव वासियों की ओर से गांव नाजी तक में ही एक निजी पासी की तरफ से मकान बनाने का कार्य किया जा रहा था। इस मौके पर गांव वासी ने प्रदर्शन करते हुए बताया कि ये मकान जो बनाया जा रहा है ये एकदम गलत है। उन्होंने बताया कि इस मकान मालिक की ओर से गांव की गली में लगे पीने वाले पानी के सरकारी नल को गलत तरीके से अपने मकान के नीचे कब्जा कर जमीन में दबा दिया है। उन्होंने बताया कि हमारी तरफ से इस किए जा रहे गलत कार्य पर कोर्ट से स्टे भी लिया गया था और इस संबंधी थाने में शिकायत भी की गई थी जिसके ऊपर पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए पुलिस ने इसका राजीनामा करवा दिया और इस मकान मालिक को हिदायत दी कि वह अपनी हदबंदी में अपने मकान का कार्य करे, जिसके बावजूद इन जमीन मालिकों को पुलिस की तरफ से दी गई हिदायतों को न सुनते हुए अपना कार्य उसी तरह प्रगति पर रखा जिस कारण गांव वालों को इंसाफ न मिलने की वजह से आर प्रशासन के खिलाफ रोष व्यक्त किया गया। जिस वेले सानू कहंदे आ वी आपां बैठ के गल जिहड़ी मुका लैने आ, ठीक है जी, नलके नूं अहीं कहा सी नलका नहीं छेड़ना होगा, इह कहंदे ठीक है। बाद दे विच फिर एक दिन की होया कि इहनां साडे जिहड़े इहनां दो मुंडिआं नूं बुला के थाणे विच साढ़े तो अलावा ही जरा फैसला कि लिखा लिया वो सैन अजे तक कहते नहीं हो तुम की मांग करते हो साड़ी मांग यही है कि नलका उत्थे दी उत्थे ही जरा आ रहना चाहिए तो पाइप जी है ना अंडरग्राउंड होनी चाहिए है बस यही साड़ी मांग है अपनी हद च हाँ अपनी हद च रहन बस यही है साडा नलका इतों पटा दो तो अं अपनी अंडरग्राउंड पैप पाँगे जिनी साड़ी हद होगी हद बाहर नहीं आ गए जो इतनी जगह हैगी अं नहीं मलेंगे है इन्होंने जगह से कब्जा करने वजह नलका पटवाया इन्होंने तो हूँ जगह से कब्जा करते पाया गया हूँ अं चाहते हैं कि जो सा नलका पटवा ही लिया तो कम से कम अपने हाथ में रहना चाहिए इन्होंने हाथ तो बाहर नहीं आना चाहिए। ऐसा सच उन्होंने खुद ही नहीं गल कही कि ठीक है जितने थोड़ी हद होगी थोड़ी जितने चार दीवार तो उत्थे दीवार कट सकते बाहर नहीं आना है इन्होंने उनके सामने मान गया है कि ठीक है अं उ रहेंगे हूँ उस तो बाहर जा रहे हैं। यह नलका घट्टो घट भी पहले तो बहुत परिवार ने हूँ इस समय घट्टो घट्ट 15-20 घर लगता है नलका जरा। अभिषेक शर्मा, दिव्य पंजाब टीवी, पठानकोट।